हेलो एवरीवन, तुहाडे सारिआं दा स्वागत है तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल इट्स जीके गुरु जी ते। दोस्तों, जिवें कि तुसीं जानदे हो कि इट्स जीके गुरु जी चैनल ते वार्ड अटेंडर दी जिहड़ी है तैयारी करवाई जा रही है। इस तों पहलां ही असीं काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिहदे विच असीं वार्ड अटेंडर दे जिहड़े भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बणदे ने उहनां नूं डिस्कस कीता है। दोस्तों, इहनां विचों तुहानूं काफ़ी क्वेश्चन जिहड़े ने एग्जाम दे विच वेखण नूं मिलणगे। शुरू करदे हां जी अज दी वीडियो नूं। अपना फस्ट क्वेश्चन हैगा जी, एक नमूने नूं लिजाउण विच एक वार्ड अटेंडेंट की की भूमिका हुंदी है। तुहाडे कोल चार ऑप्शन दिते हुए ने। ऑप्शन ए है जी नमूना इकट्ठा करना, ऑप्शन नंबर बी है जी नमूने की पैकिंग करना, ऑप्शन नंबर सी है जी नमूने नूं लेबल लगाउणा, ऑप्शन नंबर डी है जी उपरोक्त सारे। जिन्हां भी विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी चुनिया जी, उन्हां दा आंसर बिल्कुल करैक्ट है जी उपरोक्त सारे। ये सारे काम जिहड़े ने एक वार्ड अटेंडेंट दे हुंदे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन वेखदे हां जी। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, लिनन दी पूरी तब्दीली लई लोड़िंदी चीज़ां की हन। जिहड़ियां लिनन दी जिहड़ी पूरी तब्दीली है ओहदियां लोड़िंदियां चीज़ां की हन। तुहाडे कोल चार ऑप्शन ने। ऑप्शन ए है जी गद्दे दा कवर अते दो चादरां, ऑप्शन बी है जी ड्राई चादर अते सिराने दा गिलाफ, ऑप्शन नंबर सी है जी पलंग पोश, ऑप्शन नंबर डी है जी उपरोक्त सारे। जिन्हां भी विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी चुने जी उपरोक्त सारे, उन्हां दा आंसर बिल्कुल करैक्ट है जी। एक लिनन दी पूरी जिहड़ी तब्दीली है उहदे लई तुहाडे कोल की है जी गद्दे दा कवर होना चाहिए है, दो चादरां होनी चाहीदियां ने, ड्राई चादर होनी चाहिए है, सिराने दा कवर होना चाहिए है, ते पलंग पोश होना चाहिए है। नैक्सट क्वेश्चन वेखदे हां जी। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बैड बनाउण वेले ध्यान दित्ते जाण वाला मुढला सिद्धांत की करना है। तुहाडे कोल चार ऑप्शन ने। ऑप्शन ए है जी सूखम जीवां लई स्रोतां दी रोकथाम, ऑप्शन नंबर बी है जी एक सुरक्षित अते आरामदायक बैड प्रदान करना, ऑप्शन नंबर सी है जी चंगा शरीरक तंत्र, ऑप्शन नंबर डी है जी उपरोक्त सारे। जिन्हां भी विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी चुनिया जी, उन्हां दा आंसर बिल्कुल करैक्ट है जी उपरोक्त सारे। नैक्सट क्वेश्चन वेखदे हां जी। अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी, अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी, बैड बनाउण दा उद्देश की है। जिहड़ा वार्ड अटेंडेंट जिहड़ा मरीज़ दा बैड तैयार करदा है उहदा उद्देश की है। ऑप्शन नंबर ए है जी सुख सुविधा वधाउणा, ऑप्शन बी है जी कमाई वधाउणा, ऑप्शन नंबर सी है जी एक मरीज़ दे आराम अते स्वच्छता का ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी है जी उपरोक्त सारे। जिन्हां भी विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी चुने जी, उन्हां दा आंसर बिल्कुल करैक्ट है जी। नैक्सट क्वेश्चन वेखते हैं जी। अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी, पोलियो की दवा पिलाउण दे बाद पछाण करन दे लई बच्चियां दे मार्कर नाल कित्थे निशान लगाउणा चाहिदा है। तुहाडे कोल चार ऑप्शन दिते हुए ने। ऑप्शन ए है जी सीधे हथ दे अंगूठे ते, ऑप्शन नंबर बी है जी उल्टे हथ दी सब तो छोटी उंगली ते, ऑप्शन नंबर सी है जी उल्टे हथ दे अंगूठे ते, ऑप्शन नंबर डी है जी सीधे हथ दी सब तो छोटी उंगली ते। जिन्हां भी विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी चुने जी उल्टे हथ दी सब तो छोटी उंगली ते, उन्हां दा आंसर बिल्कुल करैक्ट है जी। जिवें तुसीं वेख्या होणा कि जदों भी पोलियो की दवाई पिलाई जाती है तो उहदे जिहड़ा बच्चा हुंदा है उहदे उल्टे हथ दी सब तो जिहड़ी छोटी उंगल हुंदी है जी उहदे उत्ते एक मार्कर नाल निशान लगाया जाता है। नैक्सट क्वेश्चन वेखदे हां जी। अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी, किसी भी व्यक्ति की मौत का पंजीकरण कराने का निर्धारित समा की है। जदों किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो वह जिहड़ा पंजीकरण कराने का निर्धारित समा किन्ना है, ये क्वेश्चन तुहाडे कोलों पूछा गया है। तुहाडे कोल चार ऑप्शन ने। ऑप्शन ए है जी 2 दिन, ऑप्शन बी है जी 7 दिन, ऑप्शन सी है जी 9 दिन, तो ऑप्शन डी है जी 12 दिन। जिन्हां भी विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी चुने जी 7 दिन, उन्हां दा आंसर बिल्कुल करैक्ट है जी। जदों कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका जिहड़ा पंजीकरण है वह 7 दिनों के अंदर कराना चाहिए है। नैक्सट क्वेश्चन वेखते हैं जी। अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी, पानी की शुद्धता मापण के लिए पानी का नमूना किस विच लैना चाहिए है।
तुहाडे कोल चार ऑप्शन ने। ऑप्शन ए है जी प्लास्टिक की बोतल विच, ऑप्शन बी है जी कच की बोतल विच, ऑप्शन सी है जी पित्तल की बोतल विच, ते ऑप्शन डी है जी लोहे की कटोरी विच। जिन्ना भी विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी चुनिया जी कच की बोतल विच, उन्हों का आंसर बिल्कुल करैक्ट है जी। जदों भी पानी का नमूना लेके जाना होवे उन्हूं कच की बोतल विच लेके जाना हुंदा है। नैक्सट क्वेश्चन वेखते हैं जी। अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी, पानी की गुणवत्ता जांचण दे लई प्रयोग विच आउण वाली बोतल की कुशलता घट्टों घट किन्नी होनी चाहिए है, यानी उहदी जिहड़ी है मात्रा उहदे विच किन्नी आनी चाहिए है, वह किन्ने लीटर की बोतल होनी चाहिए है, तो बोतल कौन होनी चाहिए है दोस्तों, कच की बोतल होनी चाहिए है। तुहाडे कोल चार ऑप्शन ने, ऑप्शन ए है जी 10 लीटर, ऑप्शन बी है जी 4 लीटर, ऑप्शन सी है जी 2 लीटर, ऑप्शन डी है जी 6 लीटर। जिन्ना भी विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी चुनिया जी 2 लीटर, उन्हों का आंसर बिल्कुल करैक्ट है जी। ये जी बोतल होंगी है जी कच की, उहदे विच घट्टो घट 2 लीटर जिहड़ा है पानी होना चाहिए है। नैक्सट क्वेश्चन वेखते हैं जी। अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी, जन्म दर की होंगी है, तुसी दसना है दोस्तों जन्म दर की होंगी है। तुहाडे कोल चार ऑप्शन ने, ऑप्शन ए है जी 1 साल विच कुल जम्मे बच्चों की संख्या, ऑप्शन नंबर बी है जी विशेष खेत्र विच कुल जम्मिया की संख्या, ऑप्शन नंबर सी है जी अपने कोल 1 साल विच 1000 जनसंख्या ते कुल जीवित जम्मिया की संख्या, ऑप्शन नंबर डी है जी 1 साल विच 1 लख जनसंख्या। जिन्ना भी विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी चुनिया जी 1 साल विच 1000 जनसंख्या ते कुल जीवित जम्मिया की संख्या, उन्हों का आंसर बिल्कुल करैक्ट है जी। नैक्सट क्वेश्चन वेखते हैं जी। अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी, शिशु मौत दर की है, तुहाडे कोल चार ऑप्शन ने, तुसीं दसना है कि इन्हां विचों करैक्ट आंसर कहड़ा है जी शिशु मौत दर। ऑप्शन ए है जी 1 साल विच होई कुल मौत, ऑप्शन नंबर बी है जी 1 साल विच नवें जम्मे बच्चों की मौत, ऑप्शन नंबर सी है जी 1 साल विच प्रति 1000 जीवित जन्मां ते शिशुआं दी होण वाली कुल मौत दी जनसंख्या, ऑप्शन डी है जी इन्हां विचों कोई नहीं। जिन्ना भी विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी चुनिया जी उन्हां दा आंसर बिल्कुल करैक्ट है जी। नैक्सट क्वेश्चन वेखते हैं जी। अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी, मुढ़ले स्वास्थ केंद्रां दा निरीक्षक ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸਥ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਿਅਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਨਰਸ ਗ੍ਰੇਡ 1, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਨਰਸ ਗ੍ਰੇਡ 2, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਚੁਣਿਆ ਜੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी, खूह के विश्कर्मण के लिए किहड़ा रसायनिक उपयोग विच लिया जाता है? तुहाडे कोल चार ऑप्शन ने, ऑप्शन ए है जी नमक, ऑप्शन बी है जी ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन नंबर सी है जी डिटोल, ऑप्शन नंबर डी है जी ए सारे। जिन्ना भी विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी चुनिया जी ब्लीचिंग पाउडर, उन्हों का आंसर बिल्कुल करैक्ट है जी। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों खूहों के सुट के ता जो उन्हों का पानी साफ सुथरा रहे। नैक्सट क्वेश्चन वेखते हैं जी। अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी, 31 मई नू किस दिन के रूप में मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 31 मई नू किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तुहाडे कोल चार ऑप्शन ने, ऑप्शन ए है जी विश्व जनसंख्या दिवस, ऑप्शन बी है जी एंटी टोबैको डे, ऑप्शन सी है जी विश्व स्वास्थ्य दिवस, ऑप्शन नंबर डी है जी विश्व पर्यावरण दिवस। जिन्ना भी विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी की चोण की है जी उन्हों का आंसर बिल्कुल करैक्ट है जी। इस दिन 31 मई में मनाया जाता है जी एंटी टोबैको डे। इस तो इलावा आपां बाकी ऑप्शन वेखते हैं दोस्तों, बाकी ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए जिहड़ा अपने कोल है जी विश्व जनसंख्या दिवस वह मनाया जाता है जी 11 जुलाई में, 11 जुलाई में जिहड़ा है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है जी। इस तो इलावा ऑप्शन नंबर सी जिहड़ा है जी अपने कोल
ਵਿਸ਼ਵ ਸਵਾਸਥਯ ਦਿਵਸ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਸਵਾਸਥਯ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪਰਿਆਵਰਣ ਦਿਵਸ। ਵਿਸ਼ਵ ਪਰਿਆਵਰਣ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਦੋਸਤੋ? 5 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਉੱਗਣਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ 4 ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਹੈ ਜੀ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਹੈ ਜੀ 21 ਤੋਂ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਚੁਣਿਆ ਜੀ 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਫ਼ੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਦੋਸਤੋ। ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਦਾ ਕੀ ਉਪਯੋਗ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਟੀਕਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਚੁਣਿਆ ਜੀ ਟੀਕਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਟੀਕਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। 31 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 31 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਿਵਸ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਐਂਟੀ ਟੋਬਾਕੋ ਡੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਵਾਸਥਯ ਦਿਵਸ, ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪਰਿਆਵਰਣ ਦਿਵਸ। ਜੇਕਰ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਟੇਕ ਕੇਅਰ।